ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है सीमा भवानी का शौर्य भाग दो। नमस्कार, सीमा भवानी के कुछ एक सदस्यों की बातचीत आपने कल सुनी। आइए आज सुनते हैं इसकी अगली और अंतिम कड़ी। इनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल भली भांति वाकिफ हैं हर स्थिति से। देश की सरहदें मजबूत हैं इनकी उपस्थिति से। बीएसएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल। सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी कहलाती है सीमा भवानी। इस टीम में कुल मिलाकर 108 सदस्य हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस 2022 में सीमा भवानी की 14 सदस्यों ने जो साहसिक कर्तव्य दिखाया, देशवासी उसके कायल हो गए हैं। अब हम बात करेंगे सीमा भवानी की सदस्य महिला कांस्टेबल डॉली जी से। जी नमस्कार। जब आप स्कूल में पढ़ती थीं या कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, कभी कोई ख्याल बैक ऑफ द माइंड भी था कि एक दिन बीएसएफ में जाना है या देश सेवा के लिए फौज में शामिल होना है? जी सर, हमेशा से ही सपना था कि बीएसएफ में जाना है, और बीएसएफ में जाने के बाद अपने देश की बॉर्डर की रक्षा करनी है, और हमेशा से ही सपना रहा मेरा जब से मैं बड़ी हुई कि मेरे को बीएसएफ में जाना है। एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम टेलीविजन पर देखते हैं शहीदों की शहादत के बारे में, गर्व से सर तो जरूर ऊपर हो जाता है, लगता है उनके बारे में महसूस करके आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में एक हिचक भी होती है कि बहुत मुश्किल रास्ता है, कब आक्रमण हो जाए, कब बॉर्डर पे जाना पड़ जाए, कब जान की बाजी लगा दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डर नहीं लगा कभी आपको बीएसएफ ज्वाइन करने से पहले? सर, बिल्कुल डर नहीं लगा। फर्स्ट बार में थोड़ा सा लगा कि हम कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ आके अगर पापा जी ने करा तो हम भी करेंगे। पापा ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी तो हम भी करेंगे, अगर हमारी भी जान चली जाएगी तो कोई वो नहीं है। अगर घर पे भी रहते कभी ना कभी तो हमारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हो सकता है, लेकिन अगर बीएसएफ में आके हमारी जान जाएगी तो वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ही उम्दा ख्याल, बहुत ही नेक सोच है आपकी। और ये जो प्रदर्शन आपने किया है सीमा भवानी की टीम के साथ, इस टीम के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि जब आप एक साथ एक महीने 14 लोग रहते हैं देश के अलग अलग हिस्से से आकर, क्या माहौल था वहां पर, एज अ टीम एक परिवार बन जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक टीम हमारी जो सीमा भवानी जो राजपथ पे चली, उसमें बहुत सारे इवेंट स्टैंड वगैरह हुए, उसमें बहुत अच्छा लगा सर। हम राजपथ में गए, मौका मिला हमें जाने का, और बहुत मतलब हम अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत लकी हैं जो हम राजपथ में चल पाए, और बस यही चाहेंगे कि आगे मौका मिले और हम राजपथ में दोबारा से परफॉर्म कर सकें। डॉली जी, यहाँ से जुड़ने से पहले आप एक साधारण लड़की या महिला की तरह अपने घर पर रह रही थी, यहाँ पर आने के बाद 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग, थकान नहीं होती या कभी कभी ऐसा मन में नहीं लगा कि इतना ज्यादा जो अभ्यास है ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है और कैसे हो पाएगा, इस तरह की उलझन कभी रही? नहीं सर, मेंटली और स्ट्रांग और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाया गया। 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस हुई, उससे पीटी मतलब पूरा रेस्ट। कुछ इतना फर्स्ट बार में लगा थोड़ा बहुत थकावट, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें दोनों तरीके से मेंटली स्ट्रांग किया गया, फिजिकल स्ट्रांग किया गया, पीटी भी प्रॉपर तरीके से रेस्ट, तो कुछ इतना थकावट नहीं हुई। आप अपने जीवन का कोई एक वाक्य बताएं कि जिससे आप मोटिवेट हुई, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान हो या चाहे अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा सुनकर, जिस वाक्य ने आपके जीवन को बदल दिया और उसी समय आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे देश सेवा ही करनी है। उससे पहले तो मेरी मम्मी जो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरा पूरा सपोर्ट दिया, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। फिर मैंने बीएसएफ में आके अपनी मैम, सीनियर मैम और सीनियर दीदी सर, उनसे मोटिवेट हुई हूँ सर, तो आगे इन्हीं मैम की वजह से आगे जाएंगे। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग यही है कि अच्छे से अपनी देश की रक्षा कर सके, बॉर्डर की रक्षा कर सके, और भविष्य में अपने परिवार का और अपनी छोटी बहनों और माँ का ख्याल रख सके।
बहुत ही नेक इरादे हैं डॉली जी। और अब हम बात करेंगे महिला कांस्टेबल प्राची जी से। जी प्राची जी नमस्कार। सीमा भवानी नाम से ही बहुत कुछ सामने आता है, ऐसा लगता है कि दुश्मन अगर सामने आए तो तोड़ फोड़ कर रख देंगी। क्या सिखाया जाता है आपको बीएसएफ ज्वाइन करने के बाद? सर हमें बीएसएफ ज्वाइन करने के बाद वो सब कुछ सिखाया जाता है जो एक मेल सैनिक को सिखाया जाता है कि आपके सामने अगर कोई भी दुश्मन हो तो आप डटे रह सको चाहे कोई भी परिस्थिति आए। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है और ये दुर्गम जगहों पर और मुश्किल हालात में भी डटे रहता है। इसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है आपको? इस तरह से हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से पूरी तरह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम कोई भी परिस्थिति आए किसी भी जगह चाहे वो देश के किसी भी बॉर्डर पर हो तो हम अच्छे से वहां पर डटे रहें, चाहे कोई भी दिक्कत आए तो हम आसानी से उनको झेल सकते हैं। ये जो एक महीने की ट्रेनिंग हुई गणतंत्र दिवस परेड के साहसिक प्रदर्शन के लिए, उस ट्रेनिंग में आपका अनुभव कैसा रहा और कोई एक ऐसा आप वाक्या शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ जो बहुत रोचक रहा हो या जो आपके जहन में लंबे समय तक बना रहेगा? सर जो सीमा भवानी टीम के साथ जो एक महीने का जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और जो उसमें जो पहला मेरा ये था कि मुझे क्योंकि साइकिल चलानी नहीं आती है और ना ही मैंने कभी बाइक वगैरह चलाई है तो मैंने मैम को कहा था कि मैम मुझे नहीं आती है और मुझे डर लगता है, तो मैम ने कहा था कि मुझे भी डर लगता है और मैंने भी नहीं चलाई है। तो मैम ने जो मोटिवेट किया है, जो हमारे जो सीनियर थे, जो पूरी टीम थी, जो उन्होंने जो हमें मोटिवेट किया है, उसका परिणाम ही था कि हम जो राजपथ पे जो हमारा प्रदर्शन रहा वो काबिले तारीफ रहा और जो देश की जनता ने हमें प्यार दिया, जिस तरह से हमें सराहा, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भविष्य में इस तरह के कोई भी हमें इवेंट मिले तो हम करें। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करना बहुत ही गर्व का विषय होता है, उसको थोड़ा सा बताएं आप। सर राष्ट्रपति और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रदर्शन करना वो तो हर किसी का सपना होता है, तो हमारी जो शुरुआत थी वो राजपथ पर प्रदर्शन करने से हुई और राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आप पूरे देश के लिए समय गर्व का विषय हैं, पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है प्राची जी। इसी तरह सीमा भवानी टीम से जुड़े रहिए और साहसिक प्रदर्शन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी से जुड़ने के लिए। और अब हम बात करेंगे महिला कांस्टेबल और सीमा वाहिनी टीम की सदस्य सुशीला जी से। सुशीला जी आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सुशीला जी आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, राजपथ पर आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो उसके 73वें गणतंत्र दिवस में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराकर, कैसा रहा ये पूरा अनुभव और बीएसएफ से जुड़ने की यात्रा? ये ना अनुभव बहुत अच्छा लगा सर, हमें राजपथ पे जाके बहुत अच्छा महसूस हुआ और हम सीमा भवानी की टीम में आकर हमें बहुत मतलब बहुत प्राउड महसूस हुआ सर। जो ट्रेनिंग है, जैसा कि आपके साथ ही बता रहे हैं कि 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है आपकी, एक महीने से आप छावला में ट्रेनिंग कर रही थी। श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि अब जब राजपथ पर आपका कार्यक्रम हो गया तो क्या कोई आपका अगला कार्यक्रम फिक्स होता है, आप ट्रेनिंग उसी के लिहाज से करती हैं या फिर आप अपने नॉर्मल ड्यूटीज में वापस चली जाती हैं? नॉर्मल ड्यूटी भी करते हैं सर और जो भी कुछ होता है उसमें हम भाग लेने के लिए भी हम तैयार रहते हैं सर। तो जब आप सीमा भवानी टीम के साथ मोटर बाइक स्टंट नहीं करती हैं तो आपकी नॉर्मल ड्यूटीज क्या होती हैं, आप कहाँ पर काम करती हैं? अभी तो सर हमारी ट्रेनिंग में ही हुई है सर, अभी तो बस ऐसा ही थोड़ा कुछ है। बिल्कुल, आप ट्रेनिंग में आई हुई हैं। देश सेवा से जुड़ने का क्या ख्याल आया, कब ख्याल आया और कैसे जुड़ना हुआ आपका? मेरे हस्बैंड 2020 में एक्सपायर हुए थे सर, तो उनके बाद मैं मेरे 2 बच्चे हैं सर, मैं उनको उनकी अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बीएसएफ में आई और मेरे हस्बैंड का अधूरा सपना पूरा करने के लिए सर मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया सर। मेरे हस्बैंड सर्विस में ही भगवान को प्यारे हो गए, इसलिए मैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूं सर, मैं देश की सेवा के लिए इधर आ गई हूं सर। बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल है कि जब कोई शहीद देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है और उसके बाद क्या उसके परिवार को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में? बीएसएफ की तरफ से हमें है ना बहुत कुछ मिला है सर, बीएसएफ हमें बहुत हेल्प करती है सर, हमारे बच्चे हो या हम हो, पहले हमारे हस्बैंड थे सर, बहुत ही है ना बहुत ही हेल्प करी है सर बीएसएफ ने हमारी सर।
सुशीला जी, एक चीज और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जैसे आपका भी कोई शौक रहा होगा पढ़ने का, संगीत सुनने का, डांस करने का, जब आप जॉब पे आ जाती हैं समय मिलता है अपने शौक को पूरा करने का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सब शौक पूरा करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो ऐसा मिलता ही है सर। टाइम मिलता तो नहीं सर, मगर टाइम तो निकालना पड़ता है अपने हिसाब से सर, सब कुछ हो जाता है सर इधर। और राजपथ पर प्रदर्शन करने के बाद का आपका सबसे यादगार अनुभव क्या रहा? आपके बच्चे ने फोन किया, आपके घर वाले ने फोन किया, क्या कहा आप? मेरे बच्चे ने फोन किया सर, मेरे घर वालों ने फोन किया सर, सब है ना बहुत खुश लग रही थी सर। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। सुशीला जी, आप हमसे जुड़ी हैं, अपना अनुभव आपने साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भविष्य में और भी देश का मान बढ़ाएं, तिरंगे का मान बढ़ाएं, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और अब हम बात करेंगे सीमा भवानी की सदस्य महिला कांस्टेबल ज्योति से। ज्योति जी, आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जय हिंद। आप कहाँ से हैं ज्योति जी, और सीमा भवानी टीम के साथ एक महीने की जो यात्रा है उसको कैसे आप बताएंगी? मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ सर, और एक महीने से हमारे यहाँ बीएसएफ के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। करते करते हमारे इतना अच्छा प्रैक्टिस हो गया कि हम राजपथ पे चले और सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया। 25 जनवरी को जब लास्ट तैयारियां हो रही थी, आपकी जो ट्रेनर हैं या जो आपकी सीनियर्स हैं, उन्होंने फाइनल वर्ड्स आपको क्या बोला, किस ढंग से मोटिवेट किया, मन में क्या कुछ डर सा लग रहा था, हिचक सी हो रही थी कि कल परफॉर्म करना है, दुनिया देखेगी, क्या कुछ चल रहा था? नहीं, हमें पहले भी राजपथ पे प्रैक्टिस हुआ, हमें नहीं लगा सर बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में एक दो दिन, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ग्राउंड में हम प्रैक्टिस कर रहे थे तभी हुआ था सर, पर अब नहीं हुआ था जब राजपथ पे गए। हमें प्राउड फील हो रहा था सर अपने आप से, और हमारी मैडम ने सर ने सबने बहुत सपोर्ट किया सर। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम शुरू में बाइक चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, चोट भी लगती है, अभ्यास के दौरान क्या कभी कुछ ऐसा हुआ? होता है सर, नॉर्मली होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर हो जाता है, सब अच्छा रहता है सर। आखिरी तक जो भी परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा रहता है। ज्योति जी, हम सबका कोई ना कोई आदर्श होता है जीवन में, और उसी से प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करते हैं। आपका कौन आदर्श रहा जीवन में और कैसे आगे बढ़ना हुआ? सर, मेरे हस्बैंड थे, 2019 में उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो मेरी एक बच्ची है सर, मैं अपने फैमिली मेम्बरों की और मेरी बच्ची की परवरिश के लिए यहाँ पे आई हूँ, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे को देश की सेवा करनी और मेरे हस्बैंड का नाम रोशन करना है सर। एक फौजी माँ अपनी बेटी को जब लोरियां सुनाती हैं तो क्या संदेश देती हैं, किस ढंग से उसको बड़ा होने के लिए तैयार कर रही हैं आप? मुझे प्राउड फील होता है कि बस यही फील होता है सर, बेटी बेटों से कम नहीं है, मैं अपने बच्चे में बहुत खुश हूँ सर, उसको आगे बढ़ाऊंगी, अच्छा बढ़ाऊंगी सर, पढ़ लिख कर। देश की करोड़ों बेटियां जो अब आपको अपना आदर्श मानने लगी हैं, सीमा भवानी के नाम से गर्व महसूस करती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी आप उन्हें? मैं सभी को यही बोलती हूँ कि अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो सर, और बीएसएफ में या फिर और नौकरी में अपना ज्वाइन करो, देश की सेवा करो सर और आगे बढ़ो। ज्योति जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी टीम की ओर से आप सबको भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। और अब हम बात करेंगे सीमा भवानी की सदस्य महिला कांस्टेबल उषा से। जय हिंद सर, नमस्कार। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका उषा जी। उषा जी, राजपथ पर चलना हर किसी का सपना होता है, आपका फॉर्मेशन कौन सा था और उसमें आपकी भूमिका क्या थी, और कितनी बड़ी चुनौती लगी जब पहली बार आपको कहा गया, आपके ट्रेनर हिमांशु मैडम ने कहा कि उषा तुमको ये भूमिका निभानी है? सर, मैंने बहुत खुशी थी कि हमने करना, और सर हम हमारे पास जो लड़कियां थी वो करती थी, तो हम भी ये बोलते थे कि बहन कभी हम भी आएंगे इस चीज में, और सर एक दिन आए, खुशी मिली और हम खुशी से चले गए आगे। मेरा इवेंट था सर बर्मा लोटस में, मैं बैक में थी सर। फौजी की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत कठिन होती है और उसमें बहुत समर्पण की जरूरत होती है, निष्ठा की जरूरत होती है। जो बंदा चाहता है, अगर किसी की चाहत नहीं होती तो सर वो काम कभी भी नहीं होता, और करना चाहिए सर। कह रहे थे आपके घर से आपको कितना समर्थन मिला था? सर मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली थी, मेरी मम्मी ने, मेरे बहन भाई ने, सभी ने बोला कि मतलब करो इस चीज को, बीएसएफ में जाओ, पापा ने किया तो आप भी करो। और सर मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद,
मेरे पास पैसा थे 2006 में एक्सपायर हो गए थे, 8 साल हुआ था सर उनका। उषा जी, आपसे अंत में ये भी समझना चाहेंगे कि अभी आपकी भूमिका जो है वो सीमा भवानी टीम के साथ है, भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं बीएसएफ से जुड़कर? सर, हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, जहां भी हमें वर्क मिलेगा बॉर्डर पे, सीमा भवानी में, कहीं भी सर, हम करेंगे उसको। जी हाँ, बिल्कुल। उषा जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे महिला कांस्टेबल सीमा भवानी टीम की सदस्य पुष्पा नेगी जी से। पुष्पा जी, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो पर आपका। आपने जो कार्य किया है, कहते हैं कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, सीमा भवानी की टीम ने जो राजपथ पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है उसको देखकर अब बहुत सारी लड़कियां इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। आपका जो अनुभव रहा अब तक सीमा भवानी टीम के साथ और राजपथ के ऐतिहासिक प्रदर्शन का, उसको कैसे लोगों के साथ आप साझा करेंगे? जैसे कि सर, ये टीम वर्क था और हमने बहुत कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन इस चीज में किया है, तो बाकी तो सर टीम वर्क आपने देखा ही था 26 जनवरी को, तो कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन से ही सर हम इस अपने टारगेट को अचीव कर पाए और आज उसी की बदौलत है कि आप हमसे बात कर पा रहे हैं। पुष्पा जी, कभी डर नहीं लगा कि बाइक पर मुझे इस तरह का स्टंट करना है, गिर जाऊंगी, चोट लगेगा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बहुत तो सर स्टार्टिंग में हुआ है, बच्चा वही है कि टीम वर्क है, उसमें यूनिटी होना जरूरी है और सबका कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, तो सबका कॉपरेशन ही था कि टीम वर्क हमारा सक्सेसफुली हो पाया। कैसे बीएसएफ के साथ जुड़ा हुआ? पहले से सोचा था, बचपन का सपना था, या फिर परिस्थितियां ऐसी थी कि बीएसएफ से जुड़ना हुआ? बचपन से ही सर ऐसा ड्रीम था कि कहीं ना कहीं जाके आगे जाके फ्यूचर में फोर्स से रिलेटेड रहे। बच्चा फादर एक्सपायर हो गए तो उस बेस पर ही हम यहाँ पर एंट्री हमें ली है, और अभी जस्ट कुछ ही टाइम हमें यहाँ पर आए हुए बाहर, बल्कि अभी एक महीना ही हमें जस्ट हुआ है और 15 दिन हमारी प्रैक्टिस रही, उसके बाद सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पर रहा। स्टार्टिंग ही हमारी इतनी अच्छी है तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हमारे आगे का सफर हो। क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी देश की तमाम लड़कियों को जो आपको देख रही हैं, जो आपको सुन रही हैं, जिन्होंने आपका प्रदर्शन देखा? बस एक ही बात कहना चाहेंगे सर कि आज रात तक सर हम थे और हो सकता है कि आने वाले कल में वो भी हो, तो आगे बढ़े और अपने ड्रीम को सक्सेस करें जो भी उनका है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और भविष्य की आपको बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे सीमा भवानी की सदस्य श्वेता नेगी जी से। नमस्कार, जय हिंद सर। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्वेता जी, जब आप बीएसएफ में जुड़ी और उस समय जब आपको कहा गया कि सीमा भवानी टीम से आपको जुड़ना है और 26 जनवरी को आपको प्रदर्शन करना है, एक महीने का समय रह गया है और इस 30 दिन में आपको खुद को तैयार करना है ट्रेनिंग के जरिए, उस समय क्या चल रहा था मन में? स्पेशली शालू मैम और हिमांश मैम ने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब उनकी वजह से हमने ये जो इवेंट था वो बहुत सक्सेसफुली किया। अगर वो हमें मोटिवेट नहीं करते तो शायद हम नहीं कर पाते। एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि श्वेता जी, आजकल जो ज्यादातर लड़कियां हैं वो कॉरपोरेट में जाना चाहती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना चाहती हैं, मोटी सैलरी चाहती हैं वो कि मेरी सैलरी है जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमूं, विदेशों की यात्रा करूं, इन सब के बीच आपका देश सेवा के लिए बीएसएफ को चुनना अपने आप में एक मिसाल है। कैसे आपने तय किया ये? पहले मेरे फादर थे बीएसएफ में, मतलब जब वो घर आते थे और उनकी जो हम ड्रेस देखते थे, जब मेरे पापा बताते थे कि हम बॉर्डर पे रहते हैं और हम देश की सेवा करते हैं, तो उनकी ड्रेस को देख के मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील होता था कि हाँ, मेरे पापा ऐसे ड्रेस पहनते थे। और मतलब मैं भी चाहती थी कि मैं अगर बीएसएफ में नहीं तो आर्मी में तो पक्का ट्राई करती, तो पर उनके बदले की जॉब मुझे मिली। वाकई बहुत ही भावुक करने वाले वो पल हैं, लेकिन आप उससे उबर चुकी हैं। आप जब पहली बार बीएसएफ की वर्दी आपने पहनी, उस समय कितना गर्व का अनुभव कर रही थी आप? तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि हाँ, अभी मैंने ये ड्रेस पहनी है और मुझे बॉर्डर पे जाने का मौका मिलेगा और मैं इस देश की सेवा करूंगी। श्वेता जी, जो उपलब्धियां हैं वो जिम्मेदारियां भी अपने साथ लेकर आती हैं। बीएसएफ में आप जुड़ गई, सीमा भवानी की सदस्य बनी, राजपथ पर आपने शानदार प्रदर्शन किया, देश की जिम्मेदारी का एहसास जब होता है तब क्या ख्याल आता है? हम सब लोग मिलकर देश की सेवा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल इंसान करता है, और सबको देख के ऐसा लगता है कि हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, तो तब हमें बहुत अच्छा फील होता है।
आपने भी कहा और आपकी और साथियों ने भी कहा कि यहां आकर आपने यूनिटी का भी पाठ पढ़ा, आपको ये समझ में आया कि टीम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और टीम में सफलता के पीछे का हर व्यक्ति का योगदान होता है। क्या कहेंगी आप? टीम वर्क में मतलब मेरा जो खुद का इवेंट था वो था फाइव वुमेन, और तो मतलब सिंगल जो इंसान होता है वो कभी मतलब अकेले से तो कुछ नहीं कर सकता, पर जब हम सब मिलके करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। चलते चलते आप अपने इवेंट के बारे में, अपने फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बताइए और उसका क्या संदेश था? फाइव वुमेन बैलेंस था सर, उसका मेन मोटो यही था कि एक अकेला इंसान किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाता है, और जब हम मिलके करते हैं तो हम बेटर करते हैं उस चीज को, और हम और भाईचारा होता है उसमें। बहुत शुक्रिया श्वेता जी, हम उम्मीद करेंगे कि यूं ही आप तिरंगे की आन बान और शान को कायम रखने के लिए बीएसएफ से जुड़ी रहें और देश सेवा इसी जज्बे के साथ करती रहें। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। जय हिंद। इस बीच हम चाहेंगे कि जो प्रशिक्षक हैं हिमांशु जी, वो अगर बातचीत के लिए उपलब्ध हो सकें तो। नमस्कार। नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में। सीमा भवानी की शानदार प्रस्तुति के लिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद सर। एक्चुअली धन्यवाद तो इसमें क्या है, ये हमारी टीम जो है 108 जिन्होंने प्रदर्शन किया जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। इस टीम के पीछे मैं बताना चाहूंगा कि जो एक टीम होती है जो आपको दिखाई दी राजपथ पर, और एक टीम है जो आपको नहीं दिखाई दी राजपथ पर। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी उस अचीवमेंट को पाने के लिए, और हमारे टीम में भी कुछ उस्ताद हैं, मैकेनिक हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि हम राजपथ पर चल सकते हैं और इस तरीके की फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो उन सभी को 25 बटालियन जहां हम रहे हैं, उन सारे ऑफिसर्स को और ट्रेनिंग डायरेक्टरेट जहां पे हमें चीजें जो है जल्दी मुहैया कराई गई, क्योंकि हमारे पास समय एक महीने का था, एक महीने में हमें सारी चीजें प्रोवाइड करना अपने आप में एक हरक्यूलियन टास्क था। तो उसमें उन सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। हमारे डीजी साहब श्री पंकज कुमार जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम राजपथ पर चलें, उन सभी को, सीमा भवानी के साथ साथ उन सभी को हमें बधाई देना चाहिए, क्योंकि हम आपको दिखे हैं, हमने दिखने वाला काम करा है, और वो लोग आपको दिखे नहीं है, उन्होंने ना दिखने वाला काम किया है। हिमांशु जी, जब ये लड़कियां सीधे बीएसएफ में जुड़ी और एक महीने का कम समय था और आपको कहा गया आपको इनको ट्रेन करना है, कितनी मुश्किल चुनौती थी आपके सामने? जी एक्चुअली मैं टीम कैप्टन हूँ और टीम इंस्ट्रक्टर हमारे सब इंस्पेक्टर कल्याण साहब हैं, उनके साथ तीन और इंस्ट्रक्टर हैं। प्रशिक्षण का काम मेरा भी था और कल्याण साहब का भी था, तो ये मिलजुल कर हमने काम करा है, क्योंकि ये टीम वर्क है, एक एक करने से काम नहीं होता है। कई सारे छोटे छोटे पार्क्स में कुछ महिलाएं और भी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, तो हम सभी का ये था कि राइडर्स हमारे पास थे लेकिन जो सपोर्टर्स, आपने देखा होगा कि एक लड़की मोटरसाइकिल चला रही है उसके ऊपर कई सवार तैयार हैं, तो जो सवार हैं उनको तैयार करना एक मुश्किल चुनौती इसलिए थी क्योंकि लड़कियां मोटरसाइकिल पर बैठी नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि जो अटैचमेंट है उसमें लटकना किस तरीके से है, इवेंट जो है उसको परफॉर्म किस तरीके से करना है, वहां पे आपको क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, कि आप क्या करें कि ये इवेंट सही रहे, मोटरसाइकिल ना गिरे, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और आप ना गिरे। तो जब ये लड़कियां शुरू में आई, ये डरी कि हम किस तरीके से, जैसे कंपैशनेट ग्राउंड है और भी लड़कियां जो बॉर्डर से आई हैं, वो डरी कि हम किस तरीके से इवेंट परफॉर्म करेंगे। तो पहले तो हमने क्या करा, उनको मोटरसाइकिल पर हर अटैचमेंट पर बिठाकर काफी सारे चक्कर लगाए, उनके मन में से ये डर निकाला कि वो गिर सकती है, गिरने का जो डर है उनका वो निकाला। जब वो डर निकल गया उसके बाद उनको हमने हर इवेंट में जहां जहां पे हम उसको फिट कर सकते हैं उनको हमने वहां वहां उनको फिट करा। उसको हमने कहा कि आपको हाथ छोड़कर दोनों पैर फुट रेस्ट पे मोटरसाइकिल पे रख के खड़े होना है। तो वो सोचते हैं कि शायद ये ना हमें गिराना चाहते हैं, मतलब उनके मन में ऐसा लगता है, एक इंसान की मेंटेलिटी होती है, वो सोचता है नहीं जो चला रहा है उसको हम ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं तो शायद हम बच जाएंगे, लेकिन जब वो उसको पकड़ते हैं तो राइडर भी गिरता है, जो सपोर्टर है वो भी गिरता है। लेकिन इन लोगों को हमने यही सिखाया इस के माध्यम से कि डिसिप्लिन, यानी कि जो हम सिखा रहे हैं आप उतना करिए और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर ही रहेगा, ना तो आप गिरेंगे ना राइडर गिरेगा, और जो इवेंट है
वो स्टार्टिंग टू फिनिशिंग पॉइंट आराम से पहुंचेगा। कोई सीमा भवानी टीम निकट भविष्य में और कहीं परफॉर्म करने वाली है या फिर इन्हें अलग अलग ड्यूटीज असाइन हो जाएंगी? जी, जो सीमा भवानी की बेसिक टीम है वो अभी हमारे जो डायरेक्टर जनरल श्री पंकज कुमार हैं सर, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक थीम उनकी है, चल रही है, उसी के तहत वो उस पर काम करते हुए टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में हमारे कोई हम लोग इंडिया भ्रमण पे या इंडिया का कोई टूर है उस तरीके से करेंगे, वो आप जल्दी जान जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने के लिए। सीमा भवानी की इन वीरांगनाओं को हमारा सलाम है। जिस बहादुरी, जोश और जुनून के साथ इन्होंने राजपथ पर अपना पराक्रम दिखाया, साहसिक कर्तव्य दिखाया, वो देशवासियों के जहन में लंबे समय तक याद रहेगा। हम ऐसे प्रहरियों को नमन करते हैं। नमन ये प्रहरी है तुमको, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। स्वर्ण अक्षरित है सफर इस बल का, तुम्हारी शौर्य गाथा को प्रणाम। नमस्कार। आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें दे इजाजत, नमस्कार। कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सीमा भवानी का शौर्य भाग दो। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस
कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें airnsctalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।